चलें अब जल्दी से ये वाला शेप बनाते हैं हम इसके ऊपर। जो एक फाइल का कवर पेज है आपको थोड़ा सा रिव्यू करा देते हैं कैसे बनेगा ये। देखिए इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना है कि आपको एक शेप चाहिए जो शेप कुछ इस तरह का होगा, यानी कि इंसर्ट में जाके आप क्लिक करेंगे शेप पर और वो शेप आपको ये वाला मिलेगा। ठीक है, अगर आप इसको यूज़ नहीं करते तो मैं आपको एक और मशवरा देता हूँ कि ये वाला शेप भी इसकी जगह पर यूज़ हो सकता है। जैसे आप इसको ऐसे बनाइए और इसका ये येलो पॉइंट पकड़ के आप जब इसको इस तरह से कर देंगे तो ये देखें कुछ एक इस तरह का शेप क्रिएट हो जाएगा, जो कि तकरीबन इस तरह का है, हल्का सा आगे गोल हुआ हुआ है ये भी। और इसको भी अगर हम और मजीद कर सकें, नहीं हो पा रहा ये, तो ये देखें इस तरह से ये शेप बन गया। और इसको कितना चौड़ा करना है पहले यहाँ से डिसाइड कर लें और कितना लंबा करना है, फिर उसके हिसाब से आप इसको इस तरीके से ये येलो पॉइंट को पकड़ के, लेकिन येलो पॉइंट इससे ज़्यादा मूव नहीं हो रहा, ये इसी को चाह रहा है कि ये इसी के साथ इससे कनेक्टेड रहे। तो इसको इस तरह से लेते हैं और पेज के ऊपर देखिए हमारे पेज पे वो कितना सर्वाइव कर रहा है, लेकिन उसका एंड टू एंड बहुत कम है। लेकिन इसके अंदर एक इशू ये आ रहा है कि इस शेप को अगर मैं रोटेट भी करता हूँ या इस पर यहाँ से कुछ कुछ करता हूँ ये गोल हो जाएगा, लेकिन एक अलग शेप बन जाएगा, लेकिन ये उसको रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा सही तरीके से, क्योंकि अगर मैं इसको खोलता हूँ तो ये बीच से भी खुल जाएगा। और इसको बैलेंस में रखते हुए खोलते हैं तो ठीक है ये बन तो रहा है, ट्राई करते हैं थोड़ा सा और, कितना बड़ा हो गया है, बस इतना ही बड़ा हो सकता है, सही है ये शेप। ठीक है, ऐसे बना के इसको शिफ्ट के साथ पकड़ के ऐसे घुमा दें तो ये एक शेप निकल आएगा। कोशिश ये करें कि ये चारों इसकी एक दो तीन साइड में स्पेस इक्वल आए, तो ये मेरे ख्याल है कि बिल्कुल सेट है इस टाइम, ये इसका ये वर्जन इसका ओके। तो ये देखिए ये शेप इस तरह से निकल आएगा। अब इसके जो कॉर्नर्स हैं अगर येलो पॉइंट्स को यूज़ करते हैं तो ये इस तरह से भी हो सकता है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि ऐसे ही रहे तो ज़्यादा बेहतर है। अब यहाँ पर ये वाला शेप भी एक निकालना है इसके साथ और एक शेप ये भी निकालना है, तो ये शेप्स तो निकालना आसान है क्योंकि ये शेप्स इतने मुश्किल नहीं है। तो यहाँ पे क्लिक करके अगर आप इसका ये वाला लेते हैं सीक्वेंस, और इसमें लेने के बाद इसका जो ये वाला पॉइंट है इसको थोड़ा कम कर लेते हैं यहाँ से हल्का सा, तो ये इस तरह से निकल आएगा। अब उसके मुताबिक अब इसको रोटेट करेंगे आप इसको 45 डिग्री पर, ये देखिए इस तरीके से, तो ये बिल्कुल इसके साथ आके ऐसे सेट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है ऑल्टर के साथ इसका एक सॉरी कंट्रोल डी करके एक और डुप्लीकेट लेना है, और इसको एक काम कर ले यहाँ से रोटेट पे आए, इसको करें फ्लिप हॉरिजॉन्टल, तो देखिए इस साइड पर हो जाएगा ये, और उसके बाद इसको क्लिक करके इसे थोड़ा सा फ्लिप कर लें इसको इस तरीके से, और फ्लिप करने के बाद इसको कहाँ पर दिखाना है यहाँ पर इस तरीके से दिखा देना है, तो यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से अप्लाई हो जाएगा, ये हिस्सा इसका फ्री रहेगा। अगर और कम करना है इसको तो यहाँ से पकड़ के इसको और कम कर लीजिए, ये इस तरह से नज़र आएगा। और अंदर कितना रखना है इसको बाहर कितना रखना है ये यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं आप कि ये इस तरह से दिखाई देना चाहिए। तो ये देखिए ये डिज़ाइन इसका कंप्लीट हो गया। अब आती है कलर स्कीम की बात, तो कलर स्कीम आप जो चाहे यूज़ कर लें, जैसे इसमें से सी ग्रीन के साथ येलो यूज़ किया है, शेप फॉर्मेट पर जाइए, तीनों शेप को पहले सेलेक्ट करके इनकी आउटलाइन को ख़त्म कर दीजिए। तो यहाँ से जाके आउटलाइन पर ख़त्म कर देते हैं, नो आउटलाइन कर देते हैं, ये आउटलाइन इनकी ख़त्म हो गई। सिलेक्शन ख़त्म करके एक को सेलेक्ट कर लीजिए क्योंकि तीनों का कलर एक जैसा हो गया है, तो वो आपको ऐसे नज़र आ रहे हैं। सी ग्रीन कलर यहाँ तो दिख नहीं रहा, बनाएंगे कैसे, देखिए यहाँ से कलर बनाएंगे सी ग्रीन वाला, ये आ गया सी ग्रीन कलर, अभी आया था ये सी ग्रीन कलर, लिया ओके कर दिया, ये देखिए इसके ऊपर अप्लाई हो गया। येलो कलर इस पर अप्लाई करना है तो यहाँ पे क्लिक करके शेफ फिल पर जाएंगे और यहाँ से क्लिक करेंगे, यहाँ से शेफ फिल पर जाके येलो कलर इस पर अप्लाई कर देंगे, और यहाँ पे क्लिक करके इसके ऊपर भी यहाँ से येलो कलर को अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये इस तरह का क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे रिपोर्ट टाइटल और लोगो का एक शेप बनाना है, तो उसके लिए इंसर्ट में जाएंगे, क्लिक करेंगे शेप पर, यहाँ से क्लिक करके एक और शेप बना देंगे इसके सेंटर में, अच्छा इस सेंटर में बना के इसको यहाँ रख देंगे, तो ये इस तरह से नज़र आएगा। अब इसका शेड भी दिखाना है और इसको कोई तस्वीर एज अ लोगो के तौर पे भी दिखानी है, तो शेड दिखाने के लिए पहले इसकी आउटलाइन को हम यहाँ से नो आउटलाइन कर देते हैं, और यहाँ पर क्लिक करके शेप पर जाके इसके शेप इफेक्ट पर जाके यहाँ पर नीचे आएंगे शेडोज़ में, तो किस तरह का शेडो देना है देखिए यहाँ पर शेड दिखा रखे, तो हमें कुछ इस तरह का शेडो देना है, तो क्लिक करेंगे तो ये देखिए इस तरह का शेडो आ गया जैसा कि इस पर दिया हुआ है। डिस्टेंस कम ज़्यादा किया जा सकता है शेडो के ऊपर क्लिक करके, यहाँ पे जैसे आपने शेडो दिया है तो यहाँ पे शेडो में डिस्टेंस आपका कवर कैसे होता है, जैसे कि इसमें डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा आ गया तो शेडो ऑप्शन में चले जाएँ, यहाँ पर आपको नज़र आएगा कि ब्लर साइज ट्रांसपेरेंसी कलर और एंगल और डिस्टेंस, यहाँ पर से डिस्टेंस जो है आपने क्लिक करके जैसे थोड़ा थोड़ा कम करेंगे तो ये देखें इसका डिस्टेंस यहाँ से कवर हो जाएगा, और अगर इसके ब्लर को आप थोड़ा बढ़ाएंगे तो हल्का हो जाएगा, कम करेंगे तो थोड़ा और डार्क होकर आपको नीचे की तरफ नज़र आएगा। साइज़ इसका थोड़ा कम भी कर सकते हैं,
ठीक है, यहाँ से और साइज इसका बढ़ा भी सकते हैं, यहाँ पे आप रखेंगे अच्छा थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, कंट्रोल जेड कर देता हूँ, अंडू कर दिया मैंने यहाँ पे क्लिक करके, तो यहाँ से इस चीज़ को इस तरह से क्लिक कर सकते हैं। अब उसके बाद आप देख रहे हैं कि इसके अंदर जो है कुछ इस तरह नज़र आ रहा है, इसकी आउटलाइन भी थोड़ी ग्रे सी है और उसके बाद इस तरह से दिखाई देना है, तो यहाँ क्लिक करके शेप आउटलाइन में जाएंगे, आउटलाइन पर जाके क्लिक करेंगे और यहाँ पर इस कलर की आउटलाइन दे देंगे उसके ऊपर, थोड़ा सा इस तरह का कलर हुआ है और इस पर क्लिक करके यहाँ से इसकी आउटलाइन को थोड़ा सा ठीक करने के लिए ये देखिए इस तरह से ये इस पर जाहिर हो जाएगा। अब उसके अंदर लिखा है LOGO, लोगो भी लिखने वाला काम शुरू करते हैं, पहले ये वाला काम निपटा लें। अच्छा उसके बाद यहाँ पर भी आपको कुछ शेप्स वगैरह नजर आ रहे हैं, इनको क्रिएट करना है तो ये कैसे होंगे? देखिए ये वाला शेप तो क्रिएट करना आसान है, ये वाला जो शेप हमारा बना हुआ है नीचे जिसमें डेट मंथ और ईयर वगैरह लिखना है, तो इसका शेप हमारे पास यहाँ पे मौजूद होगा कोई इस तरह का बना हुआ, उसको देख लेते हैं, उसको कोशिश करते हैं कि हम भी बना लें। तो यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ से क्लिक करके देखें कि यहाँ पर किस तरह का शेप है, आई थिंक ये वाला शेप इस पर जनरेट हो जाएगा। इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ से क्लिक करके ऐसे रखते हैं और इस वाले एंगल को जो है ये दोनों साइड से हो रहा है और ये दोनों साइड से इस साइड से हो रहा है। ओके एक साइड करनी है हमें, एक साइड नहीं करनी, तो इसको कुछ ऐसे करके रख देते हैं और इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से एक शेप निकल आएगा इसके ऊपर इस तरीके से, ठीक है। तो ये वाला मामला भी ऐसे तय हो जाएगा और उसके बाद क्लिक करके इसके अंदर जो इफेक्ट है वो यही वाला इफेक्ट देना है। तो यहाँ क्लिक करते हैं और फॉर्मेट पेंटर पे जाते हैं, फॉर्मेट पेंटर से कहते हैं कि भाई यही वाला फॉर्मेट हमें इस पे चाहिए, तो देखिए ये बिल्कुल इस जैसा क्रिएट हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये यहाँ पे इस तरह से नजर आ रहा है, बस फर्क इतना है कि इसकी आउटलाइन नहीं है और थोड़ा सा डार्क नजर आ रहा है, तो क्लिक करके इसकी आउटलाइन को यहाँ से खत्म कर देते हैं, नो आउटलाइन कर देते हैं और डार्क करने के लिए हम इसको यहाँ पे थोड़ा सा डार्क वाला इसके ऊपर इफेक्ट लगा देते हैं, ये वाला, ठीक है। तो ये देखें इस तरीके से यहाँ पे दिखाई देने लग गया। उसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास वो ये है कि भाई जैसे कि इस तरह के आइकॉन्स और ये चीज़ें हमें कहाँ मिल जाती हैं, और ये टेक्स्ट बॉक्सेस वाला काम कर लेते हैं। पहले थोड़ा टेक्स्ट बॉक्सेस का काम कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्लिक करके जैसे हमें LOGO लोगो वगैरह लिखना है इसके ऊपर, तो इंसर्ट पर जाएंगे, यहाँ से टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और एक वर्ड आर्ट ले लेंगे जिसमें हमने टाइप किया LOGO लोगो और टाइप करके कंट्रोल ए किया और यहाँ पर जाके इस पर होम में जाके फॉन्ट साइज को कम किया और उस पर क्लिक करके यहाँ पे रखा इसको इस तरीके से। उसके बाद आपने क्लिक किया यहाँ पे और फिर यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से इसके ऊपर वाइट कलर लगा दिया, तो ये देखिए इस तरह से लोगो इसके ऊपर लिखा हुआ आ गया। तो शिफ्ट के साथ इस पर क्लिक किया, दोनों को राइट बटन दबाया और क्या कर दिया, यानी कि पहले शिफ्ट के साथ इसको और इसको दोनों को सेलेक्ट किया और यहीं से आप शेप फॉर्मेट पे गए और यहाँ पे क्लिक किया ग्रुप पे, तो ये ग्रुप बन के इस तरह से नजर आ गया। फिर यहाँ पे क्लिक किया, होम पे गए और होम पे जाने के बाद इंसर्ट पे जाके एक टेक्स्ट बॉक्स लिया आपने यहाँ से और ये टेक्स्ट बॉक्स लेके इस तरह का टेक्स्ट बॉक्स ले लें और ये टेक्स्ट बॉक्स पकड़ के आप यहाँ ले आए और यहाँ पे इस टेक्स्ट बॉक्स को सेटअप कर दिया और उसके बाद ये टेक्स्ट बॉक्स इस पर इसी तरीके से नजर आने वाला है और इसमें फॉन्ट्स वगैरह जो भी टेक्स्ट आपने टाइप करना है वो ईजिली इसके ऊपर टाइप हो जाएंगे, ठीक है। अगर इसका हाइट वगैरह थोड़ा बढ़ाना है तो यहाँ से आप ईजिली बना सकते हैं और यहाँ से इसके विड्थ को भी मेंटेन कर सकते हैं। उसके बाद ट्रांसपेरेंट करना है इस टेक्स्ट बॉक्स को कि इसके बैकग्राउंड पे वाइट कलर ना है, तो उसको सेलेक्ट करके यहाँ से शेप फिल में जाके यहाँ से इसको करेंगे नो फिल, तो ये देखें फिर आपको इसी तरह से नज़र आने लग जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आते हैं मामला के, ये जो सारी चीज़ें हैं ये जो नज़र आ रहा है फ़ोन, ईमेल, वेबसाइट, लोकेशन, अच्छा अब इसके लिए देखो थोड़ी सी ये कर सकते हैं हम कि एक तो आसान ऑप्शन है, एक थोड़ा मुश्किल ऑप्शन है। अब आसान मैं बताता हूँ लेकिन पहले थोड़ा मुश्किल वाला बता दूँ, मोर सिंपल में जाओ, ये सिंपल में जाके वेबडिंग्स और वेंडिंग्स के फॉन्ट्स हैं इसमें तलाश करो, ठीक है ना, इसमें तलाश करो कि भाई जैसे ये नेट का सिंबल आ गया और नीचे देखो इस तरह आपको बहुत सारे सिंबल्स इसमें मिल जाएंगे। ये थोड़ा मुश्किल है, आज के लिए थोड़ा सेलेक्ट करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, यहाँ से लगाने पड़ेंगे। अब आसान ये है कि भाई यहाँ चले जाओ गूगल पर और गूगल पर जाके यहाँ पर सर्च कर लो, ठीक है ना, गूगल, और इनको हम कहते हैं कॉन्टैक्ट आइकॉन्स। और इसके लिए एक वेबसाइट भी बता देता हूँ, अगर उस पर चले जाओगे तो ज़रा और अच्छा काम हो जाएगा। स्टिकी पे चले जाओ, वेबसाइट नोट कर रखी है मैंने, आई थिंक क्लीन PNG है ये वेबसाइट है, इसको खोल के देखते हैं, clean png.com। इसके ऊपर काफ़ी सारे फ्री फोटोज़ मिल जाते हैं,
फ्री पीएनजी है, इस पे देखें ये काफ़ी सारे बने बनाए आइकन्स आपको मिल जाएंगे इसके ऊपर, ये पिक्चर्स डाउनलोड की जा सकती हैं, ठीक है ना। फिर एक है इसके ऊपर फ्री पीएनजी डॉट कॉम है, तो फ्री पीएनजी इमेजेस डॉट कॉम इसको खोल लें, इसके ऊपर भी काफ़ी सारे आइकन्स आपको मिल जाते हैं। ये सब इमेजेस हैं जो आप ले सकते हैं, जैसे फेसबुक का, व्हाट्सअप का, यूट्यूब का, ये सारे आइकन्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरह और भी आइकन्स हैं वेबसाइट्स के, तो ये कुछ वेबसाइट्स हैं जिनमें से आप आइकन्स ले सकते हैं और अपने पास डाउनलोड कर सकते हैं, और सब्सक्राइब नाउ के भी आइकन्स हैं। इस तरह ये चार वेबसाइट्स हैं। pnggold.com है, इसके ऊपर भी फ्री काफ़ी सारे आपको फोटोज़ मिल जाते हैं, इसमें आपको और भी किस्म के आइकन्स वगैरह, लेकिन इसके लिए इंटरनेट का होना लाजमी है, ठीक है ना। अगर इंटरनेट नहीं है तो फिर आप उसको नहीं लगा सकते। ये आपका क्या है, pnggold है शायद, stickpng.com है, stickpng.com, इस वेबसाइट को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर भी आपको काफ़ी सारे से आइकन्स वगैरह मिल जाएंगे, ये देखें। ठीक है, तो अब इसमें मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे लिखते हैं कॉन्टैक्ट के आइकन्स चाहिए हमें, कॉन्टैक्ट, तो यहाँ सर्च कर देते हैं। तो इस पर देखते हैं कि किस तरह के सर्च करने में मिल जाते हैं, इंटरनेट पे थोड़ा सा स्लो काम हो रहा होता है, तो ज़रा इसको भी जहन में रखना है। क्लोज कर दें इसको यहाँ पे, ये देखें व्हाट्सअप के आइकन्स मिल रहे हैं, तो ये डाउनलोड करना है, यूट्यूब का आइकन डाउनलोड करना है, नीचे आ रहे हैं इसके ऊपर स्लीपिंग कीज, प्राइमरी, और ये और भी आइकन्स आ रहे हैं इसके ऊपर बने हुए। तो यहाँ से क्लिक करके डाउनलोड होते कैसे, ये देख लें, सिंपल सा क्लिक करें इसके ऊपर। यहाँ पे और भी कैटेगरी है, एनिमल, आर्टिस्टिक ब्रांड्स, कार्स, कार्टून, क्लोथिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, फैंटेसी, फूड, फर्नीचर, गेम्स, ये सब आइकन्स ही आइकन्स हैं इसके अंदर, इंसेक्ट्स, इंटरनेट और लाइफ स्टाइल्स, लव, मेडिकल, मिसेलिनियस, मूवीज, म्यूजिक, ऑब्जेक्ट, नेचर, पीपल, रिलीजन, स्पोर्ट्स, टेबलवेयर, टेक्निकल, ट्रांसपोर्ट, वेजिटेबल्स, व्हीकल्स, वेपन्स, वर्ल्ड, कितने आइकन्स हैं इसके ऊपर मिल जाएंगे आपको। अब ये आइकन डाउनलोड कैसे करते हैं ये समझ लें। देखो बहुत आसान है, इस आइकन को आप चाहते हैं उस पर क्लिक करो, फिर इसके बाद यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करो, ये आ रहा है ना फ्री डाउनलोड पीएनजी, इस पर क्लिक कर लो, ये डाउनलोड हो गया, यहाँ पे इमेज डाउनलोड हो गया, ये आ गया, ठीक है, ये इमेज आ गया। अब इस इमेज को यूज कैसे करेंगे, वर्ड में आइए, अब उसके लिए अरेंजमेंट करेंगे जो आपको यहाँ पे आइकन्स दिखा रहे हैं। तो इंसर्ट में जाइए, शेप्स ले लीजिए उनके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जाके इंसर्ट पे हमने क्लिक किया और यहाँ पे हमने एक शेप ले लिया, ये शेप हमने एक साइज़ के हिसाब से ले लिया कि भाई ये शेप हम यूज़ करने वाले, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर देखिए हमारे जो कॉन्टेक्ट के ये पूरा एक गैडजेट बना हुआ इस तरह का, तो इस तरह का गैडजेट कैसे बनाएंगे, यहाँ पर थोड़ा सा आपने देखना है कि ये आइकन एक आप यहाँ यूज़ कर रहे हैं तो नीचे कितने की जगह है, अब नीचे तो जगह ही नहीं बच रही, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इस पूरे सेट को पकड़ के इन चारों को इनको लेके थोड़ा सा ऊपर की तरफ थोड़ा शिफ्ट करना पड़ेगा इनको, ताकि थोड़ी जगह नीचे की तरफ निकल आए, क्योंकि जगह नहीं है नीचे तो फिर वो हम कहाँ पे कॉन्टेक्ट वगैरह की इन्फॉर्मेशन डालेंगे। आई थिंक सो अब ये काफ़ी हद तक सेट हो गया कि इतना सही है इन्फॉर्मेशन। और उसके बाद ये वाला टेक्स्ट बॉक्स भी बाद में अलग से क्लिक करके इसको सेट कर देंगे, क्लिक करेंगे इसके बॉर्डर लाइन्स के ऊपर और यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे रख देंगे इसको, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से कर देंगे, तो ये बन गया यहाँ पे इस तरह से। अब ये वाला जो आइकन का है इसको 100% करके देखें कैसा नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे क्लिक करते हैं, 100% करके देखेंगे तो ये अभी थोड़ा बड़ा नज़र आ रहा है लेकिन सही है, तो हम इसको यहाँ पे लगा लेते हैं, ठीक है। तो चार चाहिए ना, हम एक यहाँ पे ले लेते हैं, तो इसको इस पर फोटो लगाने के लिए आप क्या करेंगे, शेप फिल में जाएंगे, पिक्चर पर क्लिक करेंगे और जहाँ से पिक्चर आपने लेके रखी है वहाँ पे जाके क्लिक करेंगे फ्रॉम फाइल के ऊपर, ठीक है। जैसे ही जाएंगे क्लिक करेंगे तो कहाँ पिक्चर सेव की थी, डाउनलोड्स में, तो ये आ गया आइकन और देखिए आइकन इसके अंदर आ गया। उसके बाद आपने इसके आउटलाइंस को ख़त्म करना है, वो भले आपकी मर्ज़ी, यहाँ से जाके नो आउटलाइन कर दे ख़त्म हो जाएगा, और इस पर इफेक्ट लगाना है तो प्री सेट्स में बने बनाए इफेक्ट से इस तरह का इफेक्ट लगाना है, इस तरह का लगाना है, कैसा इफेक्ट लगाना चाहते हैं वो आप इस पर लगा सकते हैं। आई थिंक ये वाला ज़्यादा सूट कर रहा है या ये वाला ज़्यादा सूट कर रहा है, ये या ये सही लग रहा है, तो ये देखिए इस तरह से वो लग जाएगा इधर आइकन, ठीक है। इसी तरीके से आपने कंट्रोल डी करना है, इसका डुप्लीकेट लेना है और इसका दूसरा आइकन ले लेना नीचे, ठीक है, और यहाँ पे कंट्रोल डी करना है, तीसरा आइकन ले लेना इस तरह से नीचे, इसी के साथ एक पेयर बना लेना है, और कंट्रोल डी करना है एक और चौथा आइकन भी इसके साथ नीचे ले लेना है, फिर शिफ्ट के साथ चारों को सेलेक्ट करके 1 2 3 ओके अगर ये चारों एक साथ ऐसे नहीं सेलेक्ट होते और तो होम में जाके सेलेक्ट में जाएं, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करें,
अब ये ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल आ गया, इसके अंदर चारों को इस तरह से ले ले, ये चारों सेलेक्ट हो गए। अब अप एरो की मदद से थोड़ा थोड़ा ऊपर कर दे, ठीक है। अब चारों के दरमियान का जो स्पेस है उसको मैनेज करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और शेप फॉर्मेट में जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करके इसका अलाइन का ऑप्शन है, तो देखेंगे किस तरतीब में होंगे। ये इस वाली तरतीब में तो नहीं है, ये इस तरतीब में डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकल पे क्लिक करेंगे और ये सबका स्पेस इनका आपस में मैनेज हो जाएगा। ठीक है, अब इस तरह से बाकी आइकन्स भी आपको तलाश करने और वो एक एक फोटो की जगह पे उसको लगाना है। जैसे एक व्हाट्सअप का लगा दिया, दूसरा हमें कौन सा चाहिए। अब यहाँ पर हमें काफ़ी सारे दिए हुए, पीपल, ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स, नेचर्स, कॉन्टैक्ट, थोड़ा सर्च करना पड़ेगा आपको इसके अंदर। जैसे हम लिखते हैं कॉन्टैक्ट, तो कॉन्टैक्ट पर सर्च कर दिया हमने, तो कह रहा है कॉन्टैक्ट का तो कोई नहीं है। वेबसाइट का आइकन देख लेते हैं, वेबसाइट का आइकन ले आया ये, तो वेबसाइट के लिए बहुत सारे आइकन्स तो लाया है, लेकिन ये शॉपिंग कार्ट का है, एट द रेट का है, होगा कोई ना कोई आएगा आएगा, ये वाला लगा लें है, ये लगा ले। लोकेशन का देखें, ये मिल गया आपको आइकन, तो इस पे क्लिक कर लें। डाउनलोड कर लें, ये डाउनलोड हो गया, बैक कर लें। और वेबसाइट के लिए देखें, वो बना हुआ है, तो वेबसाइट के अलावा और क्या था उसके अंदर रिपोर्ट में, ईमेल एड्रेस भी था, ठीक है ना। तो ईमेल के लिए भी हमें अच्छा सा ले लेते हैं, ये देखें वेबसाइट के लिए अच्छा रहेगा, www वेबसाइट को शो करता है। और भी देखें नीचे आ रहा होगा, ये वाला देखें, ये गूगल मैप का है, ये वाला नहीं, ठीक है। तो फोन कौन सा लगा लें, ये वाला लगा, या ये फोन के लिए ये नहीं लगा दें, नहीं कॉन्टेक्ट के लिए तो हमने वो यूज कर लिया ना, ये ले लेते हैं चलो फोन के लिए, मोबाइल के लिए ये नहीं, चलो फोन के लिए ये वाला ले लेते हैं बस, तो ये ले लेते हैं, इस पर क्लिक करके क्लिक कर लेते हैं। वेबसाइट का आया तो है, देखें दोबारा से इसमें कोई वेब, वेब का असल में आइकन वो ईमेल का, ईमेल लगा दे, हाँ ये भी अच्छा है, अच्छा इंटरनेट को तो डाउनलोड करें बट जो जो वेबसाइट का ये वाला लगा लेते हैं, अच्छा लग रहा है, ये आ गया वेबसाइट का। एक 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 पे क्लिक करेंगे ना, उससे रिलेटेड और भी बहुत सारे आ जाएंगे, ये अच्छा लग रहा है, या ये अच्छा लग रहा है, या ये अच्छा लग रहा है, ये सही है, ये कल कलर लगाए ना सर, ही बार सही है, हाँ पिंक कलर का है नहीं इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करके आएंगे, एक एक शेप को सेलेक्ट करेंगे, हैंग नहीं हो गया अल्लाह करे, सिलेक्शन ख़त्म करेंगे यहाँ से, और एक एक शेप को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे क्लिक करके शेप फॉर्मेट पे जाएंगे, ठीक है। अब कौन सा लगाना है हमें, नहीं नहीं वो लगाए ना वेबसाइट वाला, वो नहीं मेल वाला हुआ था, अब हुआ है, अब कौन सा लगाना है, ईमेल वाला, अपनी मर्जी है कहीं भी लगा दे ईमेल इधर आ गया। और लोकेशन चार के पांच भी लगा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, आइकन आप पांच लगा दें,
सही है। तो इस तरह से हमने ये सेट कर दिया। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे रिपोर्ट कार्ड लिखना है। मैंने कहा था आपको अपना नाम लिखना है यहाँ पे, तो वर्ड आर्ट पे जाके यहाँ पर आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर इसको दो कलर्स में भी दिखाना चाह रहे हैं, जैसे कि आप इसको, तो जैसे इसने मेरे ख्याल एक ही कलर में दिखाया है, दो में दिखाया है इसने, एक ही कलर, ठीक है। तो इस तरह से नीचे बाकी टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो टेक्स्ट बॉक्स लेके नीचे भी लगा सकते हैं। यहाँ के लिए भी सेम स्टोरी है कि अगर आपको यहाँ पे कॉन्टेक्ट की इन्फॉर्मेशन डालनी है तो वर्ड आर्ट लेना है आपने, और फिर वर्ड आर्ट लेके आपने एक यहाँ पे सेट करना है इसको। बस एक दफा जब आप लिख लेंगे तो दोबारा के लिए आपने सिर्फ ये करना है, इसके साथ कंट्रोल डी दबाना है, डुप्लीकेट। और इसमें फिर इस पे क्लिक करके कंट्रोल डी, ठीक है, और फिर यहाँ पे क्लिक करके कंट्रोल डी, दिखेगा दिखेगा। सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल ए करके, होम में जाएंगे, यहाँ से लाइन गैप को 1 पे रखेंगे ताकि वो इसके अरेंज पे आ जाए, और फिर थोड़ा सा यहाँ पे क्लिक करके स्पेस दे देंगे मैन्युअली। ठीक है, ठीक है, तो ये प्रॉपरली स्पेस मैनेज हो गया। अब यहाँ पर फिर हम लिख ही लेते हैं पूरा नाम। ठीक है, इस तरह से प्रॉपरली टाइप करके इस तरह मैनेज कर ले। इसका जो हाइट वाला मामला है इसको थोड़ा कम कर ले। अब ये वाला जो सेगमेंट है इसका कंट्रोल डी निकाले और इसको लिया इसके नीचे, और यहाँ क्लिक करके ठीक है इस तरह से करके इसको थोड़ा हाइट पे, इसको इस तरह से बॉटम लाइन पे सेट करें, इसको ऐसे कम करें, कंट्रोल ए करें, होम में जाएं, फॉन्ट साइज को बढ़ा दें, सेंटर अलाइन करें, ओके मच बेटर हो गया। बोल्ड कर दें इसको यहाँ पे, और आउटलाइन इसकी अगर खत्म करना चाह रहे हैं वैसे लग रहा है तो ठीक है, वरना यहाँ जाके शेप आउटलाइन में जाके इसको नो आउटलाइन कर, सही है। ये देखें प्रॉपरली ये चीज़ इसकी इस तरह से क्रिएट की जा सकती है। कंट्रोल एस करके सेव कर लें, पहले ही सेव कर लेनी थी। सही है, बिल्कुल ओके हो गया, ठीक बन गया, सेफ कर गया।